हेलो। चंद्रकांता जी की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आ जाएंगी। हम उससे पहले समय को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और जैसे जैनेन्द्र जी ने बताया कि आज हमने जो थीम रखी है इसके लिए, वो आधुनिकता और अभिव्यक्ति, और उसको हम हिंदी साहित्य के संदर्भ में उस पर कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप बोर ना हो, आपको रस मिले और कुछ बिंदु भी मिले जिन पे आप विचार कर पाए। दोनों लेखकों का मैं स्वागत विधिवत अपनी ओर से भी करता हूँ, मुझे बहुत खुशी है। और माधव जी तो हमारे अपने हैं, वंदना जी का विशेष स्वागत। और अभी चंद्रकांता जी आ जाएंगी, फिर हम उनसे भी बातचीत आगे करेंगे। आधुनिकता एक ऐसी अवधारणा है जिसको अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि प्रश्न उठाना ही आधुनिकता है। या आधुनिकता का मतलब प्रश्नाकुलता, या किसी भी रवायत, किसी भी स्थिति, किसी भी समस्या, किसी भी पहलू पर यदि आप सवाल उठाना चाहते हैं तो वो आधुनिकता है। लेकिन मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगा कि आपकी दृष्टि में आधुनिकता का अर्थ क्या है, आधुनिक होने का क्या अर्थ है, और एक लेखक के लिए आधुनिकता का क्या अर्थ है, या लेखन में आधुनिकता किस तरह से अभिव्यक्त होती है और उसमें क्या अड़चनें आती हैं। एक और बात मैं इस डिस्कशन के शुरू में स्पष्ट कर दूं, खासतौर पर वंदना जी से, कि मेरा ये जो स्टीरियोटाइप होते हैं कि स्त्री लेखक होने के नाते आप ऐसे कैसे सोचते हैं, इस पर कतई विश्वास नहीं है। पर फिर भी आप इस पर, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हैं और उसमें कोई समस्या भी नहीं है, हर आदमी किसी न किसी जेंडर से होगा, तो आप अगर उसे कुछ आपके अगर आपको ये लगता है कि, क्योंकि आप लोग जब लिखते हैं और साथ में एक लेखन का क्षेत्र लंबे समय तक डोमिनेटेड रहा है पुरुषों के द्वारा, संपादकों के स्तर पर और स्तरों पर, तो आप चाहें तो आप उसकी भी बात कर सकते हैं। तो पहले मैं आपसे इस विषय के जो हमारे दो बीच शब्द हैं, पहले हम आधुनिकता पे बात कर लेते हैं, फिर अभिव्यक्ति पे, और फिर हम आगे कुछ बात करेंगे। तो पहले मेरा वंदना जी आपसे अनुरोध है कि आप आधुनिकता से आप क्या आशय रखती हैं। सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद लिटराटी सुमिता कि मुझे आने का यहाँ मौका दिया, और एक बहुत खुशनुमा माहौल में और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ, जिसको की नोट एड्रेस था, उसने हमारा एक मार्ग प्रशस्त किया, हमारे सामने एक राह खोली कि हम आज के डिफरेंट सेशंस में अपनी अभिव्यक्ति को अंजाम दे सकें। अब गुरमीत जी ने मुझसे सबसे पहले ये पूछा है कि आधुनिकता से आप क्या समझती हैं और अभिव्यक्ति को उससे जोड़ कर कैसे देखती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आधुनिकता सवाल करना है, प्रश्न उठाना है, साथ ही साथ प्रश्न उठाना क्यों है। क्यों है? क्योंकि जो एक परंपरा चली आ रही होती है, एक ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम चला आ रहा होता है, जब हम उसको उसमें चेंज देखते हैं, जब हम अपने समय में खड़े होकर आँकते हैं अपने समय को, और हम देखते हैं कि अरे नहीं, हम ऐसे नहीं, जो हमें बताया गया तरीका है ऐसे नहीं चलना है, हमें हमें ये चीज़ जम नहीं रही, हमें इस चीज़ को तोड़ना है, तभी हम सवाल उठाते हैं और तभी हम उसको अभिव्यक्त करते हैं। अब जैसे मुझे याद आ रहा है एक संदर्भ पाब्लो पिकासो का, सब जानते हैं पिकासो के बारे में। तो पिकासो जब अपनी कलाकृतियों को अंजाम देता था तो लोग उस पर हंसते थे या उसे कहते थे कि वो बहुत शो ऑफ कर रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, अपने आप को अलग दिखाना चाह रहा है। एक और खतरा जो आधुनिकता के साथ होता है, जब वो अपने पुराने लीगेसी या पुरानी परंपरा पर प्रहार करती है, उसे झटका देती है, तो लोग उसको एक नए लिखने वालों को, नए अभिव्यक्ति के माध्यम से सामने आने वालों को कहते हैं कि वो अहमन्य है, वो अहंकारी है, वो परंपरा का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। इस तरह के खतरे भी बहुत आते हैं। लेकिन जी बिल्कुल सही है, जब पुराने से नया टूटता है
और हम पूरे विश्व में देख रहे हैं, अभी भी ये सेशन जो हुआ उसमें ये बात हुई थी कि एक ग्लोबल ढंग का विस्थापन हमारे बीच चल रहा है, हमारे अंतर मनों के बीच चल रहा है और पूरे समाज में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। तो जब इस तरह का कुठारघात होता है एक एस्टैब्लिश्ड सिस्टम पे, तब हम कहते हैं कि एक ब्रेक हुआ है जिस पर हमें सवाल करने की ज़रूरत है, और सवाल परंपरावादियों को भी करने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो अपनी बची हुई सत्ता को बचाना चाहते हैं। और जो लोग सवाल करते हैं वो एक नया गढ़ना चाहते हैं, वो ज़रूर परंपरा से कुछ अच्छा भी लेते हैं लेकिन वो गढ़ना भी चाहते हैं अपना नया, और इसी तरह से परंपरा को वो मतलब आगे बढ़ाते हैं, एक नई परंपरा का निर्माण करते हैं। मुझे लगता है आधुनिकता ये है। माधव जी, अगर लेखक क्योंकि आप साहित्य अकेडमी से जुड़े रहे, और ये प्रश्न मुझे बहुत तंग करता है कि जब भी हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो अगर लेखक इतने सवालों को उठा रहा है, जैसे अभी हम आगे बात करेंगे इन दोनों जो हमारे बीच आज लेखिकाएं हैं, और हिंदी साहित्य में इतना कुछ लिखा जा रहा है, और आप क्योंकि साहित्य अकेडमी में सभी भाषाओं के लेखकों से मिलते रहे, मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि जो अन्य भाषाएं हैं, चंद्रकांता जी हमारे बीच आ गई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और माफी मांगते हैं, थोड़ा सा हमने शुरू कर दिया समय के, ठीक है। तो मैं अपना प्रश्न जारी रखता हूँ, तो जो बाकी भारतीय भाषाएं हैं उनमें जो साहित्य की भूमिका है वो कहीं ना कहीं, या भारतीय भाषाओं में जो लेखकों का सम्मान है, बंगला हो मराठी हो, वो मुझे ऐसा लगता है, मुझे गलत भी लग सकता है, आप ज़्यादा बता सकते हैं, वो संभवतः हिंदी के लेखकों की तुलना में अधिक है, या हिंदी तो इसकी आप पहले तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं जो हिंदी समाज है उसमें जो साहित्य की भूमिका है वो भी अपने आप में एक चुनौती है, और क्या इस बात से अगर आप सहमत हैं तो आप इस बात से भी सहमत हैं कि बाकी भारतीय भाषाओं में स्थिति उतनी खराब नहीं है? जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जो आप साहित्य अकेडमी के होते सुनील गंगोपाध्याय, उनकी जब निधन हुआ तो बताते हैं कि कलकत्ता में कई किलोमीटर लंबा एक उनके लोग शामिल हुए और ममता बनर्जी खुद उसमें पैदल चली, और हमें हिंदी समाज में अक्सर ये चुनौती रहती है, आप लोग सब बैठे हैं आपका बड़ा साधुवाद, लेकिन हमेशा ये चुनौती रहती है कि किसी सेमिनार में किसी गोष्ठी में तो वो लोग कहाँ हैं जिनके सवाल हम लोग उठा रहे हैं या आप लोग उठा रहे हैं? गुरमीत जी ने जो सवाल किया उस सवाल को मैं किसी और तरीके से भी देख सकता हूँ। सच बात तो ये है कि जो बहुत बड़ा समाज होता है, जिस भाषा का जितना बड़ा समाज होगा उसमें उस श्रृंखलता भी उसी अनुपात में ज़्यादा है, तो हमें लगता है कि वो चीज़ें बिखरी हुई हैं। जो भाषाएं छोटी होती हैं, थोड़ी होती हैं, वैसे भी आप देखोगे जो अल्पसंख्यक वर्ग जहाँ रहेगा उसमें एकता बहुसंख्यक से ज़्यादा होती है क्योंकि वो इकट्ठे रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हिंदी में भी साहित्यकार का सम्मान जिस तरह के पैरामीटर हम बनाते हैं उस तरह से तो नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन हर हिंदी भाषी लेखक का एक ही सपना है कि उसकी पुस्तक हिंदी में अनुवादित हो। जब मैं कन्वीनर था तो तमिल से लेके तेलुगू और बंगला से लेके और कन्नड़ तक का हर लेखक मुझे अप्रोच करके एक ही बात कहता था कि हमारी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि हिंदी का बाजार, हिंदी का प्रभाव, हिंदी की संवेदना परिधि, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हर व्यक्ति चाहता था कि ये हो। दूसरी एक बात, जैसे आपने जो आधुनिकता का उसका ये बताया, इस आधुनिकता ने दो चीज़ें और ख़त्म की हैं हमारी, जैसे मैं उसी में दो चार चीज़ें जोड़ के आपको बताऊं। ये संचार क्रांति का युग इतनी तेज़ी से फैला है कि अब वो साहित्य है वो बहुत सारे और दूसरे रूपाकारों में भी हमारे सामने आने लगा है, वो केवल प्रिंटेड बुक्स में नहीं है, वो आपके कंप्यूटर पर भी है, वो आपके गूगल पर भी है, आप एक क्लिक करेंगे बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी। तो पहले होता ये था कि हमारे पास एक ही साधन था मनोरंजन का,
पढ़ने पढ़ाने का, ज्ञान का, जानकारी का। अब हमारे पास ज्ञान के, जानकारी के, मनोरंजन के और वो जो प्लेजर ऑफ रीडिंग है वो बहुत सारी चीज़ों में बट गया है। अब कोई बच्चा किसी पुस्तक को पढ़ने की बजाय वो चाहता है कि मैं इसे सेलुलाइट पे फिल्म में देखूं। तो इन चीज़ों से हमें ऐसा लगता है कि हमारे रीडर्स दूर हुए हैं। रीडर दूर नहीं हुए हैं, उसको सुविधाएं इतनी ज़्यादा उपलब्ध हो गई हैं कि वो समाज जो बहुत बड़ा था वो बटता हुआ नज़र आ रहा है। छोटी भाषाओं में अभी वो बंटवारा नहीं हुआ है, एक तो ये अच्छी बात हुई। दूसरी आपने ये बात जो बताई गंगोपाध्याय जी के उस निधन के समय मैं भी कलकत्ता में था, वो वाकई दृश्य ऐसा था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मीलो लंबा जलूस, मुख्यमंत्री पैदल चल रही है और बच्चे गंगोपाध्याय की कविताओं का पाठ करते हुए चल रहे हैं। वो दृश्य ऐसा था, वो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ क्या वो तो यूरोप में भी संभव नहीं है। तो बंगला के लेखकों का और बंगला के समाज में दो चीज़ें हमसे अच्छी हैं। एक तो ये है कि उन लोगों ने पढ़ना लिखना अभी बंद नहीं किया है। हम लोगों ने 50 रुपये की किताब नहीं खरीदेंगे, हम 500 रुपये की कोई भी लग्जरी का सामान घर ले आएंगे। हमारे घरों में सिवाय टेक्स्ट बुक के और ज़्यादा किताबें आजकल नहीं होती हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बिल्कुल डफर किस्म के हो गए हैं, हमने उसका रूपाकार बदल लिया है, अगर थोड़ा सा और करेंगे तो हो जाएगा। दूसरे ये है कि हमारे हिंदी के लेखक से भी ये गलती हुई थोड़ी सी। हमारे यहाँ कविता की किताब जो पहले 200 पन्नों की छपती थी, फिर वो 150 की हुई, फिर 100 की हुई और अब वो 60-70 तक आ गई। लेकिन बंगला के लेखक का उपन्यास 200 पेज से 350 पेज चला गया और 550 तक चला गया। वहाँ जो दीपावली के विशेषांक आते हैं वो विशेषांक इतने बड़े हैं जिनकी पृष्ठ संख्या 700 तक चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी सम्मान भी नहीं घटा है, लेकिन थोड़े से हमने अपने सरोकार जरूर बदल लिए हैं। वो सरोकार जिस तरह के हम ये उपक्रम कर रहे हैं उससे दोबारा से शायद वो पैदा हो जाए, ऐसी हम आशा रखते हैं। और जब आप बोलना शुरू किया था, आपने आधे हिस्से तक जब आप बोले थे तो मैं बहुत बद में सोच रहा था कि इसका प्रतिवाद करूँगा, पर बाद में आके आपने जो बात मैं कह रहा था संभवतः उतनी तो मानी कि मैं देखिए, मुझे ये लगता है कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना हिंदी समाज, मैं तो दूर इलाहाबाद का हूँ, हिंदी प्रदेश का हूँ, हिंदी समाज में कृतज्ञता की एक भावना है जो अन्य समाजों में नहीं है, ये मैं पॉइंट आउट करना चाहता था। खैर, अब चंद्रकांता जी भी क्योंकि हमारे बीच आ गई हैं और तो एक बहुत रोचक तथ्य है आज हम में, मतलब जब मैं देख रहा था, हालांकि हो सकता है कि मुझसे नाराज़ हो जाए इस बात के लिए क्योंकि ये भी एक स्टीरियो टाइप है कि जिक्र नहीं करना चाहिए कि वो बहुत सीनियर ऑथर हैं, लेकिन असल बात ये है कि दो पीढ़ियाँ हमारे बीच बैठी हैं। 1975 में इनका पहला कहानी संग्रह आया था और आज भी वो उतनी सक्रिय हैं और ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। और तब मैं तो 5 साल का था जब आपका पहला कहानी संग्रह जब मैंने अभी इसमें देखा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, एक सवाल मैंने पहले इनसे पूछा था वंदना जी से, कि आपके लिए, क्योंकि हम आधुनिकता और अभिव्यक्ति पर बात कर रहे हैं, ये इसलिए भी स्पेशली पूछ रहा हूँ, एक अंश पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल स्त्री विमर्श और देह मुक्ति की बहुत उस पर बात होती है। आपकी कहानियाँ लगातार युद्ध उसमें आप लिख रही हैं और इसमें इन्होंने दो हमारी जो प्रख्यात बॉलीवुड की तारिकाएं हैं उन पे भी अच्छी खासी टिप्पणी की है। तो इसमें एक पात्र है जो संवाद है इसका, क्योंकि मैं ये मुझे ये रोचक लगा, मैं आपसे इस बारे में जानना भी चाहूँगा। कैसे मनोरंजन से नए के नाम पर विपाशा बासु और वो नई लड़की, क्या नाम है उसका, मल्लिका सहरावत, हाँ ये बोल्ड लड़कियाँ बोल्डनेस के नाम पर कुछ बेडरूम के दृश्य करेंगी और कुछ लॉन्ग किसेस, यही ना, इससे कौन सी नई चीज़ मिलती है हमें। मुझे तो लगता है बोल्ड का लेबल लगाकर स्त्रियों का नए ढंग से शोषण हो रहा है अपने देश में। देह मुक्ति ही स्त्री मुक्ति नहीं है, या उन्हें कौन समझाए। हेलो, ये इसलिए जरूरी था पूछना क्योंकि ये प्रश्न स्त्री विमर्श में आता रहा है और क्योंकि आप लगातार लिख रहे हैं, तो क्या आपने कुछ परिवर्तन, आपके अपने दृष्टिकोण में भी कुछ परिवर्तन हुआ आधुनिकता के सवाल पे, या आपको वाकई ये लगता है कि
ये जो शोषण का एक नया आधुनिकता के नाम पर एक नए किस्म का शोषण आ रहा है, पूरा उसकी एक अपनी समस्या है। आप सबको नमस्कार। मैं थोड़ी देर से आ रही हूँ। देखिए, आपने अभी स्त्रीवाद की बात की कि ना, आपने सोचा स्त्री इसको स्त्री की ही बात करनी चाहिए। मैं आपको पहले एक बात बताऊँ, मैंने स्त्री विमर्श के इस तरह नहीं लिखा है, स्त्री को एक खांचे में बंद करके नहीं लिखा है। स्त्री की कहानी लिखी है, उसकी व्यथा लिखी है, उसकी तकलीफ लिखी है, पर मेरी समझ से ये नहीं, जैसे अब अभी शायद पहले आधुनिकता पर कुछ बोलना चाहिए। ये आधुनिकता और अभिव्यक्ति जो आपने कहा, ये आधुनिकता क्या है? आधुनिकता निर्व्याज रूप से अस्वीकार, वो उस अस्वीकार में मुक्ति की भावना है। आप मुक्त होना चाहते कुछ चीज़ों से, इसको आप क्यों नहीं 1857 की क्रांति से जोड़ेंगे, जब हमने पहली आवाज़ उठाई थी? ठीक है, तब दमन था, शोषण था, सामंतवाद था, अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे, धीरे धीरे पर आवाज़ वहीं से उठनी शुरू हो गई थी। तो ये आवाज़ कई तरह से उठी। स्त्री विमर्श की बात में अगर आधुनिकता मैं बीच में छोड़ दूँ, तो आधुनिकता के लिए मुझे लगता है कि सामने 3-4 बड़ी चुनौतियाँ हैं। स्त्री विमर्श तो है ही, क्योंकि स्त्री के काफ़ी कानून बने, काफ़ी उसको मिला भी कुछ, मगर काफ़ी उससे कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारे सोच में, क्षमा कीजिए, अभी भी हमारे भाई बंधु हैं, फिर भी ये पितृसत्ताक समाज है, उसमें बहुत अंतर नहीं आया। हम चाहते हैं कुछ हो, परिवार में हो, समाज में हो, राजनीति में, कहीं भी हो, किसी भी व्यवस्था में आप देखिए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। हालांकि वो बेचारे समझते, मुझे तरस आता है कभी कभी अपने भाई बंधुओं पर भी, क्योंकि अब लड़कियां बहुत तेज़ हो गई, उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू किया उस धड़ल्ले से कि अब वो मुड़कर नहीं देखती। कहीं कहीं मुझे यही भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कर दे। अब यहाँ पर मैंने ये कही है मल्लिका शहरावत वगैरह की बात, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से देह मुक्ति, इस तरह की देह मुक्ति नहीं मानती। मुझे लगता है स्त्री के पास एक दिमाग भी तो है, उसके पास एक तर्क शक्ति भी है। आप क्यों मात्र उसको, यही सत्यानाश हो गया आजकल कि स्त्री को देह ही माना जाता है। आप एक सुंदर स्त्री देखेंगे, आप उसके पीछे जाएंगे, आप ये नहीं देखेंगे उसके भूसा भरा है दिमाग में क्या है। पहले आपको उसकी आकृति, उसकी सुंदरता आकर्षित कर, ठीक है सुंदर चीज़ें हम भी पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको स्त्री, खासकर जिस ये आधुनिकता की बात से आगे आप चलिए, मुझे लगता है उत्तर आधुनिकता का दौर है, जैसे आपके इस मीडिया ने, खासकर टीवी ने, स्त्री को क्या बनाया है? उपभोग की वस्तु ही ना, बेचने की वस्तु है, बाजार, बाजार सब पर छाया है, स्त्री को भी बाजार में खड़ा कर दिया है। मैं यहाँ पर ये इसलिए, ये आपने पढ़ी है कहानी, इसके बारे में ये कहना चाहूँगी, मैं स्त्री को मानती हूँ मुक्त, मन से, भाई से, भाई मुक्त हो वो, पुरुष के समान क्या समानता की कोई बात नहीं है। अरे स्त्री तो जननी है, पुरुष कहाँ बेचारा उसका उसकी समानता करेगा, वो सब कुछ करेगा पर वो माँ नहीं बन सकता, वो हो ही नहीं सकता, इसलिए स्त्री की अपनी जगह है, पर हमने उसको कमज़ोर माना है, ये तो काफ़ी समय से चला है, अभी भी हम मान के ही चलते हैं। तो खैर, इस पर ज़्यादा अभी प्रश्न नहीं पूछा है इन्होंने, पर मैं ये कहना चाहती हूँ, देह मुक्ति क्या, देह पर आपको अधिकार होना चाहिए, अपने देह पर आपके पास विवेक है, आप जानते हैं आप अपना क्या करना चाहते हैं। ऐसा भी है, जैसे इसमें उदाहरण एक दो, ठीक है बाजार है, बिकती है चीज़, इस तरह भी स्त्रियाँ जाती हैं। मैं तो खैर अपनी स्त्री होने के पक्ष के विरुद्ध ही जाती हूँ जब मैं ये कहती हूँ, मैं इसका कभी नहीं समर्थन कर सकती, क्योंकि मैं मानती हूँ स्त्री के पास दिमाग है, वो सोच सकती है, उसमें कोई कमी नहीं है पुरुषों। तो इसलिए ऐसी चीज़ें, इसका थोड़ा मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ, वैसे मेरे सहमत न होने से कुछ नहीं होता, फिर भी ट्रेंड तो है यही। बहरहाल, आपके आने से पहले हमने यही कहा था कि हम खांचे में नहीं बांट के देखना चाहते, और इनफैक्ट वंदना जी से पहले भी बात हो रही थी कि हमें जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो लेखकों को सबसे ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी होती है उन रूढ़ियों को तोड़ने की। वंदना जी, जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा, 3 चीज़ें मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ बहुत अधिक स्त्रियों के संबंध में। एक कि जी, स्त्री मन की था कोई नहीं पा सकता, उसको लेके लोग, और अगर नेगेटिव सेंस में कहना हो कि जी त्रिया चरित्र, मुझे नहीं लगता कि पुरुष मन की था भी पानी आसान है, तो ये स्त्रियों के लिए क्यों गढ़ा गया ये समझ में नहीं आता। दूसरा कहते हैं कि स्त्री के लिए प्रेम का अर्थ कुछ अलग है, स्त्री जब प्रेम करती है तो वो उसके अलग स्तर होता है। इसमें भी मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि प्रेम तो प्रेम है, उसके स्तर पुरुष के लिए भी अलग हो सकते हैं। और तीसरा जो बहुत ही स्टीरियोटाइप है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन है, इनको आप, क्योंकि एक कहानी का मैं आपकी जिक्र करना चाहूँगा,
आप लोगों के लिए भी बताना चाहूँगा। एक इनकी कहानी है जिसमें एक पात्र है जो बीमार है बहुत, और उसका बड़ा भाई उसकी विवाह धोखे से एक लड़की से कर देता है। जब मैंने आपकी कहानी पढ़ी तो मैंने सोचा कि अगर ये कहानी आदर्शवाद की युग में लिखी जाती तो इसके दो ही तरीके हो सकते थे, या तो वो स्त्री तपस्या करके अपने पति को ठीक कर लेती, या वो स्त्री के अगर प्लाइट दिखानी थी, उसकी तकलीफ दिखानी थी तो वो उसको रोग हो जाता और वो मर जाती। आपने ये दिखाया, क्योंकि आप में से शायद सबने वो कहानी नहीं पढ़ी होगी, और फिर वंदना जी उस पर खुद बताएंगी कि आपने उसमें ये दिखाया कि नहीं, वो स्त्री भी बीमार थी, उसने भी छुपाई बीमारी, और उसके बाद उसने अपने पति के साथ बिल्कुल कोई संबंध नहीं रखा। जब उसकी डेथ हो गई उसके बदले में नौकरी ले ली और फिर उसके दफ्तर के चपरासी के साथ भाग गई। तो ये जो तोड़ने की बात है कि जो हम जो ब्लैक एंड वाइट से अलग ग्रे में हम जाते हैं, ये आप दोनों के लेखन में, जब आप कह रहे थे अभी आपके हम आपका तो कैनवास बहुत बड़ा है चंद्रकांता जी, कश्मीर से लेकर पंजाब उड़ीसा आप छोड़ा नहीं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं वंदना जी से ये जानना चाहूँगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप समझती हैं कि लेखकों को ये उठानी चाहिए जिससे कि ये स्टीरियोटाइप टूटे। क्योंकि मीडिया जो है, एकता कपूर ने तो मैं कई बार कहता हूँ कि भट्टा ही बिठा दिया है औरतों का, क्योंकि उन्होंने या तो ऐसे दिखा दी कि बिल्कुल ही जो है वो गहनों से लदी हुई देवी माँ हैं सारी, और या फिर ऐसी दिखा दी कि जो बिल्कुल ही बस सबके सबके साथ संबंध है और घर ही टूट रहे हैं बस। तो आप लेखकों की जिम्मेदारी कहाँ तक समझती हैं इसमें कि ये जो स्टीरियोटाइप बने हुए हैं, और स्त्रियों का इसलिए बार बार कहना पड़ता है क्योंकि हमें इस बात को मानने में, हालांकि मैं जैसे मैंने कहा उन तीन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, पर उसके बावजूद हमें ये मानना पड़ेगा कि जेंडर एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर अगर हम अपराध से जोड़ के देखें। जब आप कह रही थी मैं आपकी बात से सहमत था, लेकिन अपराध में वो बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, वो जो देह है वो, आप ऑनर किलिंग की बात करेंगे, ऑनर रेप की बात करेंगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पर फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा वंदना जी कि ये जो स्टीरियोटाइप है इनको आपने कहाँ तक तोड़ा, जैसे मैंने कहानी का जिक्र किया, और लेखकों की इसमें जिम्मेदारी क्या बनती है? देखिए, जब भी मैं लिखती हूँ, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, चंद्रकांता जी भी जानती हैं इस बात को और वो भी सहमत हैं, कि हम लोग ये एस्पायर करके नहीं लिखते कि हमें एक स्त्री लेखक की तरह पहचाना जाए। अल्टीमेट लड़ाई स्त्री विमर्श की भी तब होती है, ख़त्म होती है वहाँ जाकर, कि जब हमारे साहित्य का आकलन हो, या जैसे आप एक पुरुष हैं और मेरी कहानी पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपके मन की बात भी मैं लिख पाऊँ, आप भी जुड़े मेरी कहानी से। ये सिर्फ स्त्री को टारगेट करने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो जब लेखक लिखता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो एक कहानी को कह रहा होता है, वो एक कविता को लिख रहा होता है, वो नहीं सोचता है कि ओ आई एम अ लेडी, आई एम अ मैन, सो आई शुड राइट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये होती है कि लेखक की जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम मान रहे हैं कि वर्ड की दुनिया श्रिंक हो गई है, हम मान रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर 25 लोग भी हैं और वो हमारी कही हुई या हमारी सोची हुई दो लाइनें अपने घर वापस लेके जाते हैं और उसका जिक्र दो और लोगों से करते हैं, तो बात तो कहीं आगे जाती है, ठीक है। दूसरी बात जो माधव जी ने भी बोला था पहले, कि सोशल मीडिया, मुझे लगता है जिसको हम बहुत डिनाउंस करते हैं कि बहुत गड़बड़ चीज़ है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मैं मानती हूँ कि कई चीज़ों में वो गड़बड़ है, लेकिन उसने इस आवाज़ को यहाँ से जो दो लोग लेकर जाएंगे वो एक क्षण में ही उसे हज़ार लोगों तक पहुँचाती है। जैसे अगर मेरे फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स हैं, मैं एक छोटा सा पीस भी लिखती हूँ तो उस मेरी विचारधारा से लोग परिचित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं कि नहीं वी कैन, हम उस पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन परिचित तो होते ही। तो एज अ लेखक जितने मीडियम्स मुझे अवेलेबल हैं, मैं चाहूँगी मैं सारे मीडियम्स का इस्तेमाल करूँ, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे मेरा मोबाइल ऐप हो, जो भी हो। अगर मैं एक राइटर हूँ और मैं कहती हूँ, मैं क्लेम करती हूँ कि मैं आधुनिक, और चंद्रकांता जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया उत्तर आधुनिक, हम लोग पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में भी जी रहे हैं, दुखद यही है कि इसके जो डिमार्केशंस होने चाहिए, जैसे बाकी साहित्य समाजों में हुए हैं, हिंदी साहित्य समाज में उसके क्लियरली डिमार्केशंस नहीं हुए कि ये आधुनिक काल है, ये उत्तर आधुनिक काल है। सारे काल्स ओवरलैपिंग हो गए हमारे देश में हिंदी साहित्य में, बाकी साहित्य का मैं दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन हिंदी साहित्य में हम देखते हैं हमारा संघर्ष इसलिए भी ओवरलैप करते हैं क्योंकि हम डिफरेंट लोकेल से आते हैं, ठीक है। हमारी ज़मीन,
हम ग्रामीणों पे भी कहानी लिख रहे हैं, और जिस बात का जिक्र होते होते भी रह गया वो ये है कि हम एक बहुत विभक्त से हिंदी समाज में जीते हैं, जहाँ इंडिया एक है, भारत एक है, ठीक है। तो जो लोग दोनों के बीच में यात्रा करते हैं वो एक अंतर संबंध बनाते हैं, एक नई आवाज़ लाते हैं, और मुझे लगता है कि आज 21वीं सदी में हम सब राइटर्स, चाहे वो चंद्रकांता जी लिख रहे हो, चाहे मैं लिख रही हूँ, हम लोग सब उस अंतर संबंध को किसी न किसी तरह साधते हुए एक आधुनिकता की आवाज़ बनकर उभरे हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसको बखूबी करना चाहिए। अब तीन सवाल जो आपने पूछे थे उसको मैं टैकल करना चाहूँगी। आपने कहा कि बचपन से जो स्टीरियोटाइप आपको फीड किया गया, आप ही को नहीं, लड़कियों को भी सेम फीड किया गया, सारे समाज को यही फीड, खासतौर से हिंदी पट्टी में यही फीड किया गया कि सबसे पहले देखो औरत ही औरत की दुश्मन, जैसे कहा गया, एक एग्जाम्पल, स्टेलर एग्जाम्पल जिसे मैं कहूँगी, एकता कपूर के सीरियल्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ दिखाया जाता है कि स्त्री को प्रोग्रेसिव होने के बजाय वो एक उल्टे खांचे में जा रही है, वो परंपरा का निर्वहन करती है, वो करवा चौथ इतने धूमधाम से मनाती है कि वो एक उत्सव ही होता है, और उसके बिना बहुत सारे सुपरस्टिशंस, मतलब जो नहीं मनाते हैं या जो नहीं फॉलो करते उन चीज़ों को सुपरस्टिशंस हावी होने लग जाते हैं, तो सब डर के, एक डर का माहौल बना दिया जाता है जो अज्ञानता और मूढ़ता की ओर हमें वापस ले जाता है। तो वो चीज़ कतई सही नहीं है। औरत कभी भी औरत की दुश्मन नहीं होती है, और न ये स्टीरियोटाइप सही है। मेरा ये मानना है कि चूंकि हम बहुत बरसों से, हज़ारों सालों से एक पेट्रियार्कल सोसाइटी, पितृ सत्ता से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई क्या कर रहे हैं, उसमें जी रहे हैं, दरअसल लड़ाई के स्वर अब थोड़े मुखर हुए हैं, तो औरत जो पुरानी औरत है वो कहीं ना कहीं एक विक्टिम ही है। सारी औरतें विक्टिम हैं इस समाज की, और विक्टिम होने के बाद जब वो उसका स्थान एक परिवर्तित फॉर्म में आता है, जैसे वो एक एल्डरली औरत बनती है, शायद वो सास बनती है जिसके बारे में कहा जाता है, या सत्ताधारी बनती है, जो सत्ता है उस जिसके पास है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लाद सकता है, ठीक है, समाज पर, तो वो क्या करती है कि वो एक परपेट्र वो बन जाती है, उसी के परपेचुएट करने लगती है पेट्रियार्की के सिस्टम। चूँकि वो विक्टिम है, वो समझती नहीं है कि उसे पेट्रियार्की एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, तो वो कभी दुश्मन में उसे उस नज़रिए से नहीं देखती। प्रेम औरत मर्द बिल्कुल एक जैसा करते हैं, और एक जैसी उनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं, ज़रूरतें, सब कुछ एक जैसी होती हैं। इसके बारे में मुखर बातें इसलिए नहीं हुई, खासतौर से स्त्री पक्ष की बात, क्योंकि स्त्री को पहले कहने की आज़ादी ही नहीं थी। अब स्त्रियां बिल्कुल खुलकर वैसे ही प्रेम कर पाती हैं जैसे करना चाहिए था उन्हें आज से 20 साल पहले या 40 साल पहले, जो वो नहीं कर पाती थी। और तीसरा सवाल आपका था कि जो स्त्री मन की था नहीं पा पाते, ये मुहावरा शायद तब बना होगा जब वाकई स्त्री मुखर नहीं थी और सचमुच वो अपनी बातें नहीं कह पाती थी, वो अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पाती थी, वो कुछ नहीं कह पाती थी। जब कुछ नहीं कह पाती थी तो सारी चीज़ें साइलेंटली वो बैर करती थी, अपने अंदर ही अंदर वो घुटती थी और किसी भी अपनी नीड को और डिज़ायर को व्यक्त नहीं कर पाती थी। इसीलिए मुहावरा बना होगा कि तुम क्या, जैसे माएँ कहती थी, दादियाँ कहती थी कि बाबू तुम नहीं समझोगे कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो कभी कह ही नहीं पाएंगे अपनी बातें, ठीक है। तो शुक्रिया वंदना जी, आप तीनों बातों से सहमत हैं मेरी, ये तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर। माधव जी आप क्योंकि सभी विधाओं को भी देखते रहे, ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो विमर्शों की आजकल बहुत चलती है, आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, सब कोई कह देता है किसान विमर्श, कई बार लगता है कि इससे जो पहुँच है वो बड़ी है। मान लीजिए हम स्त्री विमर्श कहते हैं तो शायद स्त्री लेखिकाओं की संख्या पहले से बड़ी हो, पर आपसे मैं बिल्कुल ओपन है, इसमें मेरी कोई राय नहीं है, नहीं तो मैं जरूर जैसे मैंने पहले व्यक्त की कर देता कि आपको क्या लगता है कि इससे हिंदी साहित्य में ये जो तमाम विमर्श आ रहे हैं इनका लेखन को एज सच और समाज को एज सच लाभ हो रहा है, या कहीं ना कहीं हम कट भी रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई जगह एग्रेशन देखने को भी मिलता है विचार विमर्श में, और हिंदी में तो आपको पता ही है राजनीति ज़्यादा है। गुरमीत जी की बात का जवाब देने से पहले थोड़ी सी वंदना जी ने जो बात बताई उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे यहाँ जैसे आधुनिक और उत्तर आधुनिक काल का जैसे जिक्र हुआ, इसका सीमांकन
हिंदी साहित्य में नहीं हो पाया, तो उसके बारे में मेरा एक और विचार दूसरी तरह से है। हमारा जो समाज है उस समाज में भी हम सीमांकन नहीं कर पाते। आप अपने घर में आधुनिक हैं लेकिन आपके पिताजी अभी मध्य युग में रह रहे हैं, आपके साथ हैं। आपका बेटा जो 18 साल का है वो डिज्नीलैंड में रहता है, तो आप एक साथ तीन कालों में रह रहे हैं। आपको तीनों लोगों के साथ संगत बनाने का मतलब है आपको तीनों कालों के साथ चलना है। ये आम आदमी के साथ भी है और हम सब के साथ भी है। तो जो समाज में जिस तरह के ये अंतर संबंध, अब इसमें जब ओवरलैपिंग होगी तो टकराव जरूर होगा। जब वो पिता पीछे मुड़ के देखेगा तो उसे लगेगा कि मेरा पांव पीछे जा रहा है। जब आगे वाली पीढ़ी को देखेगा तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, और इसी अंतर संघर्ष से साहित्य भी पैदा होता है। एक छोटी सी बात और है, मैं हम थोड़े जो कविता लिखते हैं लोग वो ज़्यादा सेफर पॉइंट पे इसलिए है कि वहाँ तक चीज़ें आते आते थोड़ी सी छन जाती हैं आपकी तरह से। हालांकि दक्षिण की कुछ भाषाओं में स्त्री विमर्श बहुत मुखर है, हिंदी में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मराठी की महिलाओं की आप कविता पढ़ेंगे आप चौंक उठेंगे। अगर आप कन्नड़ और तमिल की महिलाओं की कविताएं पढ़ेंगे तो और आप निराश हो जाएंगे। आपको लगेगा कि वो महिलाएं कविता कम लिखती हैं और पुरुषों को आरोप पत्र थमा रही हैं, जैसे कि उन्होंने एजेंडा तैयार किया हुआ है और वो चार्ज शीट कर रहे हैं पूरे समाज को। तो जैसे गुरमीत जी ने बताया कि अति रंजना दोनों जगह गलत है, बिल्कुल खामोश रहना अगर अपराध है गलत है, तो बहुत अधिक मुखर होना भी उससे ज़्यादा अपराध है। असली बात यह है कि जो सच्चाई है समाज की, जो जीवन की और समय की सच्चाई है, वो दोनों इन एक्सट्रीम्स के बीच में रहती है। तो अब अच्छी बात ये हुई कि हिंदी में, हिंदी के खास तौर पे नारी विमर्श से जुड़ी जितनी लेखिकाएं हैं, वंदना राग की पीढ़ी की हैं या चंद्रकांता जी की पीढ़ी की हैं, उनको ये समझ आ गया है कि हम एक्सट्रीम्स पे अपने जीवन को नहीं ले जा सकते। तो अब वो जो स्वर जो बड़ा कर्कश था, वो स्वर जो बहुत ही तेज था कमला दास के समय से शुरू जो हुआ था, वो अब आते आते संतुलित और संयत हो गया है। अब महिलाएं प्रेम की बात करती हैं बड़े आराम से करती हैं, महिलाएं अगर बगावत करती हैं तो वो भी बड़े आराम से। उन्हें ये भी पता है कि बगावत करने का अर्थ ये नहीं है कि समाज बिल्कुल विघटन के स्तर पर चला जाए। तो एक तरह की ये जागरूकता है और ये बड़ी जागरूकता सकारात्मक रूप ले चुकी है। वैसे जितने भी विमर्श होते हैं, डिस्कोर्सिज होते हैं साहित्य में, उनका मकसद तो ये होता है कि जो चीज़ हाशिए पे आई है, जो चीज़ उपेक्षित रही है, समाज उनकी तरफ देखे, उनकी जाने, उनकी पीड़ा को भी समझे। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हिंदुस्तानियों में ओवरडू करने की आदत है। जैसे वंदना ने कहा कि जब हम करवा चौथ मनाते हैं तो उसको उत्सव में ही तब्दील कर देते हैं। एक उत्सव की सादगी और गरिमा भी होती है, तो हम उस सादगी और गरिमा को छोड़ के जब अतिरंजित बर्ताव करते हैं तो वो बड़ा बेतुका हो जाता है। तो हमारे यहाँ इसी तरह जब दलित विमर्श आया, अब दलित विमर्श कहाँ नहीं है, हमारे कबीर से लेके और रैदास तक सभी ने दलित विमर्श किया। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब गोदान और कफन की प्रतियाँ जलाने लगे लोग, जो कि दलित विमर्श का सबसे बड़ा पैरोकार प्रेमचंद है, तो ऐसा लगा जैसे कि उसमें विमर्श कम है और राजनीति अधिक है। जब विमर्श राजनीति का शिकार हो जाएगा, नारे लगाने लगेगा, तो कविता भी भ्रष्ट हो जाएगी और कहानी भी भ्रष्ट हो जाएगी। तो साहित्य में संतुलित अगर विमर्श आता है तो उसका तो फायदा है, क्योंकि वो हमें कुछ मुद्दों से जोड़ता है, सरोकारों से जोड़ता है, समाज के उन तबकों तक हमें ले जाने की कोशिश करता है या करवाता है जो कोने हमने देखे नहीं है। लेकिन जब उसका गलत इस्तेमाल होने लगता है तो वो दोनों हमारे जो बाहर के मेहमान आए हैं, दोनों ही आपके वक्तव्य पे प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं भी दे दूं कि एक तो हम प्रश्नों के लिए जरूर समय रखेंगे, आप एक राउंड और होगा मुश्किल से, क्योंकि आप सवाल पूछेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और नहीं पूछेंगे तो हम फिर मुँह लटकाए उतर जाएंगे। तो जो आप ये कह रहे हैं ना कि एक घर में तीन पीढ़ियाँ रहती हैं और एक पुरातनपंथी सोच है आगे, यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूँगा, क्योंकि कभी लेक पे आप सुबह घूमिए और जो हमारी पहले की पीढ़ी के जो लोग घूमते हैं उनकी बातें आप सुनिए। ये जो मानसिकता को आयु से जोड़ना,
शायद उतना बच्चे तो ठीक है आप कह सकते हैं, लेकिन जो पुराने, अगर ऐसा होता तो चंद्रकांता जी तो इतना आधुनिक लेखन कर रही हैं। और ये मैं जानबूझ के थोड़ा ही नहीं भड़का भी रहा हूँ कि जिससे ही आप पृथ्वी आपके इस, तो आप दोनों ही माधव जी ने जो कब कह रहे थे मुझे मालूम था। बस मुझे बस एक छोटी सी टिप्पणी करनी है। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ कि संतुलित होना चाहिए सब कुछ, और ख़ास तौर से उन डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता, रिएक्शन संतुलित नहीं हो सकता। या तो आप किसी चीज़ की प्रगति में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। और एक और चीज़, मतलब आप अभी टिप्पणी मत दीजिएगा क्योंकि चंद्रकांता जी बोलेंगे, बस मैं ये अपनी आपत्ति दर्ज कर रही थी कि स्त्रियों ने कभी अपनी भाषा को, अभी कल ही हम अनौपचारिक सी बैठक में बात कर रहे थे कि हमारी आज की पीढ़ी कितनी खुशनसीब पीढ़ी है कि वह अपने मन की कर पाती है और सहजता से कर पाती है। वो बैकग्राउंड नहीं जानती है कि उसके पेरेंट्स ने, मेरी जनरेशन ने और उससे पहले चंद्रकांता जी की जनरेशन ने कितना संघर्ष किया है कि हम अपने स्टीरियोटाइप को तोड़ने की कोशिश करें। हम लोग शायद कुछ गिनी चुनी आवाज़ें होंगी अपने समाज की, बाकी कोई आवाज़ें नहीं थी उस वक्त कि वो सपोर्ट करती कि अच्छा अगर किसी की इच्छा ही है कि वो एक निर्णय ले ले कि वो स्टीरियोटाइप करियर से अलग करियर करना चाहता है। हमारे समय में हमें ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, हमें ख़ास तरीक़ों से ही एक अपने मंतव्य पे पहुंचना होता था। लेकिन आज की जनरेशन को ये सुविधा उपलब्ध है और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। लेकिन जो लोग दब गए हैं या दबे हुए थे उसमें स्त्री बहुत बड़ा पक्ष है, और उसे उसकी जब आवाज़ उठेगी तो वो बिल्कुल दबी हुई आवाज़ या संतुलित होकर नहीं उठेगी। मैंने वो स्त्री विमर्श पे नहीं किया, एक सेकंड मैं क्लियर कर दूं। पहले वो दलित विमर्श का जिक्र था, उस पर कहा था कि जब राजनीति विमर्श में आ जाती है फिर वो विमर्श पीछे चला जाता है, वो डिस्कोर्स अपनी बौद्धिक प्रखरता को खो देता है। मेरा मतलब ये बिल्कुल चंद्रकांत जी आप नहीं, मैं एक, आपने इतना गड़बड़ कर दिया सभी बातें, कभी इधर इधर एक बार का जवाब देना हो तो दे जवाब, कैसे दे। मैं एक बात कहती हूँ, जो दलितों की बात आपने कही ना, दलित मुखर होकर आए हैं, तभी तो अक्कर माशी जैसा उपन्यास लिखा जा रहा है। आप पढ़कर दहल जाते हैं, बहुत सारी महिलाएं भी लिख रही हैं उसमें, खैर छोड़िए कौशला भैसंद्रे, काफ़ी लोग हैं। एक बात इन्होंने की, वंदना से भी मैं सहमत तो हूँ पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि मैं देख रही, मैं पढ़ती बहुत हूँ आजकल, लिखती कम हूँ पढ़ती ज़्यादा हूँ, क्योंकि एक संस्था से जुड़ी हूँ अभिव्यक्ति से, वहाँ किताबें मुझे पढ़नी पड़ती हैं। मैंने क्या देखा, जो युवा लेखन की बात कर रही है, देखिए मेरे से बड़ी कृष्णा जी हैं, उन्होंने शुरुआत की थी ये चेंज जो है सोसाइटी में, मित्रों मर जानी वगैरह उन्होंने लिखा, तो उनसे कि हम तो बाद में आते, बाद में मनु भंडारी हैं वगैरह वगैरह हैं जो भी है। तो खैर हमने अपने ढंग से लिखा, मैंने किसी की तरफ देखा नहीं। मैं एक बात ये कह रही थी ना कि जो वो लिख रहे हैं खुलकर लिख रहे हैं, ये तो आधुनिकता का तो है ही, आधुनिकता क्या है, अस्वीकार प्रतिरोध की एक संस्कृति, जो आप कह रहे हैं हमारे सहमत नहीं, हम कह रहे हैं ठीक है। पर यहाँ मुझे एक बात ज़रूर लगती है, अगर आप पढ़ते होंगे कुछ में, क्या नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मैं नहीं जानती, पर अच्छी लेखिकाएँ हैं, वो बहुत अच्छा लिखती है। मैं पुरुषों को नहीं कहती, दो मर्दों का गुलदस्ता लिख सकता है सुरेंद्र तिवारी, वो लिख सकता है, वो कहने सुरेंद्र शर्मा नाम क्या है उसका, तो इतना बेकार और फूहड़ उपन्यास है जो कोई सोच नहीं सकता क्या है, मेल इस पर है जो भी है। तो स्त्रियों के लिए हम ज़्यादा करते हैं, पता नहीं क्योंकि हम स्त्रियाँ हैं, हम चाहते हैं जो संतुलन बोल रहे हैं, संतुलन कठिन है इसमें कोई शक नहीं है। पर देखिए अगर कविता है लेखिका, वो लिखते एक उपन्यास, उसमें भी उसको कुछ पक्ष होगा, कुछ वो कहना चाहती है। एक उपन्यास है उसका मेरा पता कोई और है, पता नहीं हम लोग, आप लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है उसमें क्या है। ठीक है मैं मानती हूँ आजकल सब कुछ हो रहा है, मनोज राम जोशी ने गलत हमजात नहीं लिखा था, उत्तर आधुनिक का प्रवेश वही है, जहाँ मूल कोई नहीं मूल है, जहाँ संबंधों की कोई इच्छा नहीं है, पिता पुत्री क्या क्या सुन रहे हैं आप रोज, पिता ने पुत्री का बलात्कार किया, क्या है आज समाज, पशु समाज है, तो वही समाज है जो हमजात का समाज है, धन अर्थ केंद्र समाज है, जहाँ पैसा वहाँ है, मनुष्य का कोई मूल ही नहीं, आज मनुष्य केंद्र में नहीं है, अर्थ जितना ताकतवर आदमी उसके पीछे आप जाएंगे, जो गरीब पर उसको कोई पूछता नहीं। खैर दलित वलित की अपनी, उन्होंने अपनी बात कही है, पर यहाँ मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि कहीं कहीं प्रतिरोध तो ठीक है मैं मानती हूँ, पर हमारे यहाँ कुछ महिलाएँ हैं जो नहीं मानती, वो कहती हमें कहना चाहिए। गीता श्री है, बहुत बोल लेखिका है, बहुत खुलकर लिखती हैं, कुछ चीज़ों में सहमत नहीं,
ये ज़रूरी आप सबकी अपनी सहमति असहमति होती है, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपके पास विवेक नाम की चीज़ है, आपका कुछ तो अपना होना चाहिए। आप क्यों ये बाढ़ में बहे? अगर कोई नदी में डूबता है आप क्यों डूबे उसके पीछे? आप कहीं कहीं सोच भी सकते हैं ना इस बात के। अगर वो ठीक है, स्त्री पुरुष संबंधों में कुछ रहा नहीं, पति है मैरिड है अनमैरिड है वो कोई नहीं, संबंध आप बना सकते बना लीजिए। मैं आपका एक नाम नहीं लूँगी इस महिला का, एक उपन्यास लिखो मुझे नाराज थी, एक उपन्यास लिखा है आप, समय तो नहीं है ज़्यादा है सब, थोड़ा संक्षिप्त बोलो। मैं क्योंकि मैं किताब को लेकर बात करना चाहती हूँ, बाकी हम भाषण तो वैसे दे सकते बहुत, तो नाम ही बता दूँ, कमल कुमार का एक उपन्यास है। अच्छा उपन्यास है, उसमें क्या है, काफ़ी कुछ है, बहुत सुंदर भी है। एक बात है, एक महिला है, बड़ी महिला है, बच्चे हैं, बहुएँ हैं, बहुएँ भी हैं, नाती पोते भी हैं, उसको किसी से प्रेम होता है। और प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसे प्रश्न नहीं किया जा सकता, प्रेम किसी उम्र में हो सकता है, ये मैं मानती हूँ और आज हम इसको मानते हैं, प्रेम किसी भी आयु में हो सकता है और फिर उसका गर्भ रह जाता है। अब ये महिला जिसके नाती पोते हैं, बाल बच्चे हैं, वो अपने हस्बैंड कहता है अच्छा अगर तुम्हें प्रेम है तो ठीक है, तलाक ले लो, करो जो करना है तुम्हें, बच्चा पैदा करना चाहती है वो, तो वो कहती नहीं मैं यही इसी घर में बच्चा पैदा करूँगी और तुम लोगों को रखना होगा, संभालना होगा। फिर उसकी बेटी आती रहती है, माँ ये सब पुराने ख्यालों के हैं, तुम मेरे साथ चलो वहाँ जो भी होगा करेंगे। ठीक है, हो सकता है कोई समय ये भी आए, महाभारत काल फिर आए, कुछ भी आए, पर हम क्यों इन चीज़ों को इस तरह से प्रेशर दें? हम क्यों एक अनर्कल सा समाज बनाएं जहाँ कुछ पता नहीं चलता? बेटा मेरा पता कोई और है वो भी है, उसमें पिता और पुत्र दोनों का, महिला पिता के साथ भी संबंध रखती है, बेटी के साथ भी संबंध रखती है। मैं मानती हूँ ये हो सकता है, पर हम क्यों इन चीज़ों पर ध्यान दें? देख बहुत कुछ है स्त्री के पक्ष में, बहुत कुछ है, निर्धनता, गरीबी। मृणाल पांडे का देखे लेखन, मृणाल पांडे का अगर आपने सुनी उनको पढ़ा होगा, बहुत ही संतुलन। वो उस कृषक की बात कर, उस औरत की बात जो मजदूरी करती है, जिस बेचारी को प्रसव वेदना, बच्चा पैदा होता सड़क पर, हम क्यों उस तरफ नहीं जाते? हम जाते बस दे हो गया हमें करना, ठीक है करो जी, आपको करना कौन मना करता है? मुझे कोई मना करेगा अगर कुछ करूँ? मेरा पति भी जाना तो कभी भी मना नहीं करता। खैर, पर सवाल ये है कि कुछ तो आप रखो, आपने पशु और मनुष्य को एक ही श्रेणी में रख दिया। होता है, मैं नहीं कहूँगी नहीं होता, ये होता है। आप आए दिन सुनते बेटे ये हुआ ये हुआ, भाई नहीं मामा, आजकल तो ये भी आ रही इस पर, होता है इस चीज़ों पर हमें कुछ। अगर हम देखिए उत्तराधिक, मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर मूल्यहीनता है, यहाँ कोई मूल्य नहीं है। हमजाद में अगर आपने पढ़ा होगा, वो पढ़ी है मनोज राम जी का छोटा सा उपन्यास है, उसमें कोई रिश्ता कोई भी नहीं, किसी को पता नहीं बहन है भाई है माँ है बेटा है, कुछ नहीं, सभी बस सेक्स है, वो है ये है ये है बस। तो ऐसा समय हम क्यों आने दें? अपनी तरफ से तो हम ना करें, अगर आता है तो कुछ कर नहीं सकते। बहरहाल ये मैं कहना चाहती हूँ के बारे में, सबकी अपनी अपनी चिंताएं हैं और मुझे लगता है सबके लिए स्पेस, भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई है कि सबके लिए स्पेस है, सभी तरह के विचारों के लिए और सभी तरह की धारणाओं के लिए और सभी तरह के लेखों के लिए, सभी तरह की कृतियों के लिए, और ये बातें भी चलती रहेंगी और नेचुरली क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना। एक मैं बात करके और फिर मैं, क्योंकि हम किसी भी स्थिति में 3 बजे हमने शुरू किया था, 4 से पहले मैं टाइम को लेकर बहुत पंक्चुअल हूँ, तो इसलिए मैं ज़रूर 4 से पहले हम इसे वाइंड अप करेंगे। एक लास्ट जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब हम ये होता है अक्सर और होनी चाहिए, जेंडर का एक बहुत बड़ा इशू है, काफ़ी टाइम उसमें चला गया, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने कश्मीर पे खासतौर पर, चंद्रकांता जी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कश्मीर पे खासतौर पर इनका बहुत लेखन है और कथा सती सर नाम की इनकी बहुत मशहूर कृति है जिसको व्यास ऐसे ही मैं बहुत जल्दी में देख रहा था, तो वंदना जी की एक कहानी में मुझे मैंने देखा कि जो मराठी महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी ने जो फरमान जारी किया था उसको इन्होंने बहुत दूसरे तरीके से उठाने की कोशिश की है, जहाँ 3 लेखक हैं पटकथा लेखक, उनके जो पटकथा है वो इसलिए रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि जो कामत नाम का सज्जन है जो जिसने देखना उसके मन में डर होता है उसका फरमान का। तो मैं प्रश्न बस एक ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप तीनों से, कि जो हमारे समकालीन प्रश्न है, चाहे वो आतंकवाद का हो, चाहे आज अभिव्यक्ति का हो, और आप गरीबी की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता का हो, आपकी नज़र में प्रीस पे हमारा हिंदी साहित्य किस सीमा तक इसमें सफल है, उसे लेकर चल रहा है, या आपको लगता है कि खासतौर पर ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि पिछले 2-3 वर्षों में आपको मालूम है लेखकों की तरफ से एक प्रतिरोध की बात भी सामने आई अभिव्यक्ति को लेकर,
और पुरस्कार वापसी और इस तरह के कई विवाद आए उस राजनीति में ना जाते हुए, मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि हिंदी का समाज खासतौर पर, क्योंकि हम सब हिंदी से जुड़े हुए हैं, किन किस सीमा तक इनको वहन कर पा रहा है या इसमें अपनी भूमिका को अदा कर पा रहा है? मैं संक्षिप्त में कहूँगी, हालांकि कश्मीर पर मैंने लिखा है और आतंकवाद पर लिखा, कश्मीर कथा सदी सर अगर कोई पढ़ना चाहे लाइब्रेरी से लेकर ही पढ़े तो पढ़े कश्मीर क्या था और क्या हो गया। एक संक्षिप्त में कहूँगी, कश्मीर में जो संस्कृति थी वो शैव बौद्ध और इस्लाम की साझी संस्कृति थी। हिंदू मुसलमान रहते थे, अपने अपने धर्म वगैरह थे पर आपस में प्यार से रहते थे, पर उस संस्कृति का विखंडन हो गया है और 1990 आपको पता होगा तब पूरा विस्थापन हुआ, इतना सांप्रदायिकता इतनी बड़ी कि मैं खुद हूँ उसकी शिकार, हमको कोला बाहर निकालो, ये तुम्हारा देश नहीं है, ये तुम्हारा वतन नहीं है, तुम हिंदुस्तानी जासूस हो। अब बताइए इतनी बड़ी संस्था हम स्त्रियाँ क्या नहीं उठाएंगे, खाली देह पर ही जाएंगी, उसी पर ही सिमट जाएंगी। बहुत बड़ा सवाल है आतंकवाद, शरणार्थियों की समस्या, विस्थापन की जो वैश्विक समस्या है आज, ये खाली कश्मीर की नहीं है, किसी किसी भी प्रदेश की, कहाँ विस्थापन कहाँ से कहाँ आ रहे हैं हम। और मानवीय यंत्रणा की, मुझे कश्मीर पर इसलिए भी लिखना पड़ा क्योंकि देखिए तकलीफें विस्थापन कई तरह से हैं, हमारे बंधु कहते जी गांव से शहर है वो भी विस्थापित है, ये भी ठीक है, घर में भी विस्थापित, बूढ़े विस्थापित हो जाते हैं जब बच्चे उनको छोड़ देते हैं, कई तरह, पर ये विस्थापन ऐसा है अपने देश में बिना किसी दोष के, आपको आप कहते हैं बड़े गर्व से हम कहते हैं हमारा स्वतंत्र गणतंत्र है, उसमें आप अपनी जगह से निकाले दिए जाते हैं, जो मूलभूत अधिकार है आपका, रोटी कपड़ा मकान जिसको बोलते हैं आप फिल्मी डायलॉग में, आप निकाले जाते हैं और 26 साल हो गए, आज भी हम उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा आएगा जो हमें वापसी दिलाएगा, पर नहीं आ रहा, नहीं अब आजकल मोदी जी आए क्या करेंगे हम नहीं जानते, पर एक कठिन प्रश्न है, हमने हमेशा हमेशा ये माना कि सुविधाएं, चलो उसको सुविधाएं दो मानेगा, वोट की राजनीति वो सब जानते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, राजनीति तो ऐसा ही फलसफा। तो ये दुख जो है वो मैंने लिखा है, 3 उपन्यास सॉलिड मैंने लिखा, आज भी लिख रहे हो नया उसमें भी वो आएगा, क्योंकि ये समय का प्रश्न है। आप आधुनिकता कहते हैं, क्या है आधुनिकता, फिर कई प्रसंग है, कई प्रश्न है, विस्थापन है, जो भी है कई तरह के हैं, तो मैं ये कहना चाहती थी कि ये भी मेरी चिंता का बहुत बड़ा विषय है। वंदना जी, समस्याओं से याद आ गया, आपको लगता है नोटबंदी पे कोई जल्दी आप कोई कहानी या कोई उपन्यास? देखिए टिप्पणियाँ तो मेरी शुरू हो चुकी है बहुत दिनों से, अगर कोई मेरे फेसबुक पेज पे जाएगा तो देख ही लेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस की बात होती है, लेखक का जो पहला फ़र्ज होता है, लेखक वो बनता ही तभी है जब वो रेजिस्टेंस करता है, और कोई भी वो अच्छा लिख सकता है बुरा लिख सकता है वो अलग बात है। तो अभी चंद्रकांता जी ने कविता और गीताश्री दो लेखकों का नाम लिया जो मेरी पीढ़ी की लेखिकाएं हैं, उनका उन्हें लगता है कि उन्हें रेजिस्ट करना है एक पेट्रियार्कल सिस्टम के खिलाफ, तो वैसी चीज़ें वो लिख रही हैं, उनके लिए देह मुक्ति एक बड़ी समस्या है, और जैसा गुरमीत जी ने आपने ठीक कहा कि सबके लिए इतना स्पेस है कि वो अपनी बात कहे, वो ठीक है, लेकिन मेरा मैंने जो लेखन लिखा है, मैंने सिर्फ कि मेरा लेखन केंद्रित नहीं है सिर्फ एक ही समस्या पे, समस्याएं ही मुझे आकर्षित करती हैं, समाज की विभिन्न समस्याओं से मैं रूबरू रहती हूँ हमेशा, और जिस कहानी का आपने जिक्र किया, जो दो कहानियों का, हाँ सिनेमा का जिक्र किया, सिनेमा के बहाने का, उसमें ये ज़रूर था कि उस समय मैं पूना रहती थी और मैंने अपनी आंखों से उस चीज़ को देखा था कि किस तरह से एक फरमान एक दिन जारी कर दिया जाता है कि जितने यूपी वाले हैं और बिहार वाले हैं उनको भगाना है, छोटे छोटे गरीब लोग जो थे उनकी गुमटियों को कैसे तोड़ा गया, वो सब मेरे आँखों के सामने घटित हुआ था, और मैंने रियलाइज़ किया कि जो एक्सक्लूजन की बात होती है कि हम अपने देश में भी ऐसी सोच नहीं डेवलप कर पाए, इसीलिए मैंने कहा कि जो इंडिया और भारत दोनों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी अलग है, और वो बहुत कुछ हमारे क्लासेस से और हमारे बायसेस से प्रेजुडिसेस से बहुत कुछ निर्धारित होता है, तभी हम तय करते हैं कि हम इस क्लास के बारे में लिखेंगे और हम नहीं करें, जो लोग दोनों के बीच का अंतर संबंध बनाते हैं वो सक्सेसफुली लिख पाते हैं, लेकिन अदरवाइज हिंदी समाज में भी ये फ़र्क है, हम अपनी अपनी सिर्फ एक बहुत सीमित अनुभूतियों के आधार पर अपनी ज़मीन तैयार करते हैं, जो मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, जैसे इन्होंने लिखा कश्मीर पर लिखा तो उनका क्षेत्र है, पर उन्होंने अदरवाइज भी लिखा, तो बड़ा राइटर वही होता है जो अदरवाइज भी आपकी कहानी भी लिख पाए, ठीक है ना, तो ज़रूर लिखूँगी, इंशाल्लाह ज़रूर लिखूँगी।
नहीं, कहानी भी जरूर लिखूंगी। माधव जी कंक्लूडिंग, वैसे तो मुझे सुमिता जी का आदेश हुआ था कि कुछ अंश भी अगर कहानीकार पढ़े, और मेरे पास तो दोनों संग्रह हैं वैसे, लेकिन समय की सीमा मुझे लगता नहीं कि इजाज़त देगी, और एक दो सवाल भी हम लेना चाहेंगे आपसे भी माधव जी, क्योंकि आप बिना शायरी बिना कुछ शेर, अगर आप इस पूरे सिनेरियो को समाप्त करना चाहें अपने किसी मतलब बजाय लंबी टिप्पणी के, अगर आप एक आध वो सुना दें तो लोगों को भी मजा आएगा, और नहीं तो आप पूछो ऐसा कोई बात नहीं। मैं एक बात करके, और आपकी बात ठीक है, जैसे वंदना जी ने कहा उसी बात को जोड़ते हुए, ये जो आधुनिकता जब लेखक लिखता है या कवि लिखता है, खासतौर पे मैं कविता की बात करूँगा, वो समसामयिक जो परिस्थितियाँ होती हैं उन परिस्थितियों के जो दुष्प्रभाव समाज पे हैं वो उन्हीं को ज़्यादा दिखाता है, उसकी कविता में वही रूप बदल के आती हैं चीज़ें। जैसे मुझे कहा आतंकवाद के दौर पर जैसे बात चली, अभी कुछ दिन पहले 15 दिन के लिए मैं कारगिल में गया था, वो साहित्य अकादमी का ही आयोजन था, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का, तो वहाँ बहुभाषी कवि सम्मेलन भी था, 22 भाषाओं के लोग थे, तो अनुभव किया कि जो भी लोग आज लिख रहे हो दैट इज़ ए पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट। उसके बाद आके मैंने एक अखबार में कॉलम भी लिखा, वो एक प्रतिरोध की कविता है, चाहे उसको निदा नवाज लिखे या कोई। सभी को मेरा सवाल चंद्रकांता मैम आपके लिए है, आपकी कहानियाँ आतंकवाद पर नज़र आती हैं, और आपकी कहानियों में मैं जब पढ़ रहा था आपकी कहानियाँ, तो उनमें मुझे पढ़ते हुए एक चीज़ लगी कि जो पिछले दिनों में एक समस्या उत्पन्न हुई थी कि सेना के विषय में बहुत सारी बातें उभर के सामने आ रही थी, आप अपनी कहानियों में कहीं कहीं दबे स्वर में ये बात लिखती हैं कि सेना के साये में भी कहाँ सुरक्षा महसूस हो, आप मुखर नहीं हो पाती, एक बात ये। दूसरी बात ये कि आप दे पे बात करना उस तरीके से महसूस उस तरीके से नहीं करना चाहती, लेकिन आप अपनी कहानियों का जो संग्रह है वो सुनीता जैन जी को उस समर्पित करती हैं, जिनकी तमाम कहानियाँ जितनी भी पढ़ी गई हैं सारियों में औरतों के संबंध किसी दूसरे पुरुष के साथ हैं, वैवाहिक संबंध होते हुए भी, ऐसा क्यों? ये संबंध क्या बोले मैं समझी नहीं। ये कह रहे हैं कि देह मुक्ति की जब आप बात कर रहे थे, तो आप अभी भी जब आप बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा इस बारे में तवज्जो दी गई है लेखन में, जो शायद देने के और सवालों को दी जानी चाहिए, तो ये कह रहा है। लेकिन जब जिन्हें आपने कथा साहित्य जो अपनी संग्रह समर्पित किया उन्होंने उस प्रश्न को बहुत प्रमुखता से उठाया, यही कह रहे हैं उनकी। सुनीता जैन की बात कर रहे हैं आप? सुनीता जैन की बात नहीं, मैं सहेली क्या होता है, मैंने बहुत बड़ा लेख लिखा है, मेरी कविता में बहुत ज़्यादा नहीं लिखती, मेरी कविताओं पर बहुत बड़ा लेख लिखा है जो समागर में आएगा, पढ़िए, बहुत उनको पसंद आएगी। खैर, क्योंकि कुछ चीज़ें होती जो सभी को तकलीफ देती हैं, वो ऐसा नहीं है वो कश्मीर में हूँ मैं, मुझे तकलीफ हुई, भाई कहीं भी हो सकता है, दुनिया भर में चारों तरफ आतंक है, स्त्रियाँ हैं पुरुष हैं जो दुखी हैं, स्त्रियों की तो मार तो दोहरी होती है, क्योंकि एक तो उनका शरीर पहले उस पर नज़र पड़ती है, फिर किसी का भाई, किसी का पति, किसी का मर्द, तो उसको दोहरी तकलीफ। खैर, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया आपने मुझसे क्या पूछा, आपने गोलमाल सा ये मैं ये कह रहे थे शायद कि जो सेना की भूमिका है, जो सेना की भूमिका, क्योंकि ठीक आप सेना की भूमिका, मैं कश्मीर अब तो खैर रहा नहीं, मगर जाती हूँ कभी कभी एनजीओ में, कुछ में हूँ या कभी जाती हूँ वैसे होटल में रहती हूँ, घर तो खैर नहीं है, तो वहाँ मैंने देखा सेना, बर्फ हो कुछ हो ऊपर से, ये बर्स हम दुलकद्र बोलते हैं उसको, शिशर गांठे जब जमी होती बर्फ उसी तरह जमे हुए होते हैं, वो हिल नहीं पाते, उनके घर उनके बार उनके बच्चे उनके वो नहीं है क्या? आप मनुष्य के रूप किसी ने बोला है जैसे ये राजनीति है, अरे सेना को खराब करे काम, वो माँ ये करे अत्याचार करे बलात्कार करे, मैंने ये कहा है कि देखिए वो भी व्यक्ति हैं, गलतियाँ उनसे हो सकती हैं, मैं गलती अप्रिशिएट नहीं करती, हो सकती घर से इतनी दूर रहते फिर अगर कभी उनको मौका मिला, हालांकि सेना का अनुशासन बड़ा सख्त होता है, मधु कांकरे ने इस पर लिखा है सूखते चिनार आप पढ़िए, वो बहुत सख्त होता है उनका, पर फिर भी देखिए मनुष्य मनुष्य गलती हो सकती है, मैं उसको माफ़ नहीं करती, पर मैं उनका जो त्याग है जो देश के लिए वो करते हैं मैं उसको बहुत सलाम करती हूँ। आप जानते नहीं आप बैठ कर वो क्या, जैसे आपने कहा कारगिल में देखिए क्या कर रहे हैं वो, किस तरह तरसते हैं। मैंने विवाद सुना, दो बात कर रहे थे, अरे भैया मैं छुट्टी चाहता हूँ, मेरी
नई नई शादी हो गई थी, नई नई बीवी है, वो है, हनीमून भी नहीं होने का, छप छोड़ हनीमान हनीमून, यहाँ रहते मारेगा कोई, पीछे से ध्यान रख, मतलब उस घर परिवार बच्चे सब का मोह छोड़ना पड़ता है, तब कश्मीर में रह सकता है और कहीं रह सकता है। बहरहाल मेरी तो सचमुच उनके साथ सहानुभूति है, मैं उनको सलाम करती हूँ, पर मैं उनकी कमजोरी मानती हूँ, ठीक नहीं है तो, पर है मनुष्य ही। और कोई प्रश्न आपकी तरफ से? नमस्कार आप सभी को। मेरा प्रश्न विशेष रूप से किसी एक के लिए ना होकर एक जनरल क्वेरी के तौर पर है। जैसे वंदना मैडम ने बात की, फेसबुक या सोशल मीडिया, इसकी भूमिका से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, चाहे साहित्य की बात उठाएं, अभिव्यक्ति की बात उठाएं, किसी भी कोण से अगर उसको जांचा जाए। तो मेरा जो प्रश्न ये है कि कभी भी कोई बहुत ज़्यादा चर्चित जो घटना या दुर्घटना होती है, अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करना चाहूँ तो हम बात कर सकते हैं निर्भया कांड की, या अभी पीछे एक ऐसी दुर्घटना ही कहेंगे हम उसको, कि एक व्यक्ति अपने पत्नी के शव को कंधे पे लाद कर जा रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिलती। तो ऐसी कोई जब बात होती है तो पूरे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बाढ़ आ जाती है, बहुत सी कविताएं लिखी जाती हैं, बहुत सी कहानियां भी गढ़ ली जाती हैं, वो थोड़ी देर तक बहुत हावी रहती है चीज़, और उसके बाद वो एकदम से समाप्त हो जाती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या इस प्रकार का जो क्षणवादी रुझान है, मैं उसको क्षणवादी रुझान अपने आप से कह रही हूँ, आप उसे क्या कहना चाहेंगे मैं नहीं जानती, क्या वास्तव में साहित्य में उसकी कोई जगह बनती है, या साहित्य में उसका कोई स्थान हम दे सकते हैं, या उसका कोई प्रभाव होता है? आपने से जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, धन्यवाद। देखिए, क्षणवादी रुझान सही बात है। हम लोग इन जनरल, हमारा जो स्पैन हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन स्पैन, वो घट चुका है। इसी यही वजह है कि किताबें लोग कम खरीद रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन जनरल सबका जो स्पैन है कि जल्दी से, अच्छा किताब क्यों पढ़े, इस किताब पे फिल्म आई, अभी एक फिल्म आई थी गॉन गर्ल, ठीक है, उसकी किताब आई थी, कुछ लोगों ने किताब पढ़ी और पिक्चर देखी, लेकिन कुछ लोग सीधे फिल्म पे जंप कर गए, कुछ लोगों ने, इस तरह से बहुत सारी एपिसोड्स हमारी लाइफ में हुए हैं जब हमने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया है। सोशल मीडिया ने ये जो त्वरित इमोशन का आदान प्रदान है, इसको सहज और उपलब्ध करवा दिया है, ठीक है। इसमें ये ज़रूर होता है, इसका खामियाजा तो है, मैंने कहा ना कि इसका एक खामियाजा भी है कि भाई वो आपके जो स्पैन है, जो थिंकिंग स्पैन है, जो किसी दुख या सुख को भोगने का स्पैन है, उसकी लिमिट को कम कर देता है, ठीक है। और हो सकता है कि वो लिमिट पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाती अगर सोशल मीडिया ना होता तो, मतलब हमारे पास उसको जानने के भी तरीके नहीं होते। अच्छी बात ये है कि कम से कम 50,000 लोग जो उसको, सिर्फ उसको देख रहे हैं, खासतौर से युवा पीढ़ी के बच्चे, वो किताब नहीं पढ़ेंगे, अखबार कोई नहीं बच्चे पढ़ते आजकल। जैसे मेरे ही बच्चे, उनसे कहती हूँ अखबार पढ़ो बेटा, तो बोलते हैं अरे तुम्हारा ज़माना नहीं है, हम तो मोबाइल पे ऐप्स लोड कर दिए, NDTV ऐप आ रहा है एंड वी आर गेटिंग ऑल द न्यूज़। और ये गलत नहीं है, उनको भी सूचना रहती है। तो हमारा समय डोमिनेट हो गया है नॉलेज से ज़्यादा सूचना, कॉन्सेंट्रेट सूचना पे करने लगा है, और वही सारे बच्चों को, सारी पीढ़ियों को एक सक्सेस का राह भी दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि उससे उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, वरना वो चीज़ें ख़त्म हो जाती। तो कम से कम मेरा ये मानना है कि इतने सारे दुर्दिनों की बात होती है, सब कुछ होता है, इसके बावजूद मुझे एक किरण आशा की लगती है कि कम से कम मेरे 50,000 बच्चों को पता चला कि ओडिशा में इतनी गरीबी है, इतनी अव्यवस्था है, इतनी चीज़ों रिसोर्सेज की कमी है कि एक बंदे को अपनी पत्नी की लाश हॉस्पिटल के एब्सेंस में, एम्बुलेंस के एब्सेंस में ले जाना पड़ा, उससे वो थोड़ी देर को ही सही दुखी तो हुआ। सोशल मीडिया का दायरा नेचुरली बहुत बड़ा है और विषय भी बहुत बड़ा है। और चंद्रकांत, बिल्कुल मैं आप चंद्रकांत जी, ज्यादा नहीं बोलते, मैं बहुत फैन नहीं हूं सोशल मीडिया की, कभी-कभी जस्ट कुछ-कुछ करती हूं, व्हाट्सएप यूज करती हूं, कभी-कभी कोई बात करते हैं, मुझे वो गंभीर नहीं लगता, ये अपना-अपना विचार है। मुझे बहुत उथली चीजें उस पर आती हैं और कभी-कभी गाली गलौज इसको उसको मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्षमा कीजिए, पर उसका अपना एक महत्व है, ये हम नहीं कह सकते। नहीं नहीं, इसी के साथ ख़त्म कर लीजिए। तो आप, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी। जो एक आदमी आता, उसका एक लड़की ने लिखी, युवा है, हमसे युवा, आपसे भी युवा है, उसने कहानी की, उसका नाम भी कुछ रिमोट कंट्रोल वगैरह करके उसने लिखा। एक लड़का, पता नहीं, मुझे लगता है भविष्य की कथा है, ये सुनिए आप। उसने लिखा, एक लड़का है, बहुत
ऑब्सेस्ड विद दिस हाँ सोशल मीडिया, मतलब यही थोड़ा जो भी निंजा विंजा जो भी चाहता है वो करना वो देखता है, और इतना वो कुछ बात दोस्त छूट जाते सब जो कथा भी नहीं नहीं बात नहीं करना, संवाद की संवाद को कम कर दिया है इसने, ये बात मान लीजिए। खैर फिर उसकी शादी होती है, एक दिन करता है तो 8-10 दिन शादी रखता है, फिर उसको मार देता है उसको, क्योंकि वो कहते तुम उसे बात ही नहीं करते, कभी भी देखते उसके साथ लगे रहते हो, उसको खून कर देता है, तो उसको फांसी हो जाती है, संक्षेप में बोलती हूँ, संग फांसी हो जाती है, तो फांसी अब फांसी होगी तो बोलते अंतिम इच्छा क्या है, ये सुनिए अंतिम इच्छा ये कहते ओ ऐसे तो कुछ नहीं, हाँ मैं जानना चाहता हूँ उस निंजा का आगे क्या हुआ, यही होगा अब हमारे पास चूंगा अगर ज़्यादा टू मच करेंगे, ये बात मान लीजिए। नहीं देखिए मैंने आपको पहले कहा कि समय में हम कम से कम हिंदी के लोग एक मिनट भी फालतू नहीं ले पाएंगे, आप नीचे अभी लपात कीजिएगा, 4 बजने से अभी 1-2 मिनट बचे हैं और मैं अगले सेशन को बिल्कुल डिले नहीं करना चाहता, तो आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत प्रेम से सुना और संख्या बढ़ी जब शुरू हुआ था उसकी तुलना में, तो ये हमारे लिए एक अच्छा लक्षण हो सकता है, और आप तीनों का धन्यवाद, और मुझे आशा है कि शायद मैं न्याय कर पाया होऊंगा आप सबको समय के मामले में, तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद गुरमीत आपका, चंद्रकांता जी, वंदना जी, माधव कौशिक जी।